ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये गिवन है कि कॉनिकल पेंडुलम की तरह आप इसे घुमा रहे हो और स्ट्रिंग मेक्स 2/π रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आरपीएस, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2/π। क्या निकालना है? टेंशन। देखो कभी भी कॉनिकल पेंडुलम आए और टेंशन यहां पर बनी हो टेढ़ी स्ट्रिंग में, तो टेंशन के कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, तो थीटा थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो ये डायग्राम ऐसा बनाने की बजाय ये ऐसे रहेगा, ये मत ड्रॉ करो, ये ऐसे ड्रॉ नहीं करो, गलत है ये। तो आपको ये बोलना है टी कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी, और टी साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब रेडियस की वैल्यू क्या सिखाई थी? साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एल, क्योंकि आर तो गिवन ही है, एल गिवन है, तो कैपिटल आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू आएगी, टेंशन ओमेगा की जगह 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट की 2/π, आंसर ऐसे। एट्थ क्वेश्चन, यस सर डाउट है, एट्थ क्वेश्चन इंसेक्ट वाला ही क्वेश्चन है ना ये, कि मास इक्विलिब्रियम में जब हमने हेमिस्फीयर की प्रॉब्लम की थी, कॉनिकल पेंडुलम, हेमिस्फीयर और कोन एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन थे, तो हेमिस्फीयर में यहाँ पर एक पार्टिकल घूम रहा था, ये देखो ऐसे ये कराया था ना ऐसे आर रेडियस में, तो नॉर्मल रिएक्शन बताया था सेंटर से पास करता है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो एन के कॉम्पोनेंट्स एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा और एम जी, तो एन कॉस थीटा किसके इक्वल है? एम जी, और एन साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल, ये रहा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसमें आर 0.5 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आर, आर आर की वैल्यू अभी 0.3 लिखी हो ना आप साइड में आर। अच्छा एक मिनट, इसमें आपको ये गिवन है हाइट की वैल्यू, इसमें गिवन है ठीक है, तो ये हाइट 0.1 है और रेडियस कितना है? 0.4 है, 0.5 है, 0.5 में से 0.1 गया तो ये क्या आ गया? 0.4 हो गया। तो अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 0.4 है, ये जो डिस्टेंस है रेडियस ये 0.5 है, तो ये रेडियस क्या बनेगा? पाइथागोरस, ये 0.5 है, ये 0.4 है, ये 0.3 नहीं होगा, पाइथागोरस लगा के आ गया। ठीक है सर, तो आर की वैल्यू 0.3 है, ठीक है नेक्स्ट। ठीक है राइट, नेक्स्ट जो है शीट नंबर 20 के बाद शीट नंबर 21, शीट नंबर 21 थोड़ी सी ट्रिकी थी मेरे को लगता है, बाकी पता नहीं आपको कैसी लगी। तो शीट नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर ना सी है, इसका आंसर सॉरी सी है, इसका आंसर ए नहीं है, हमने क्लास में किया था, एक हेमिस्फीयर के अंदर एक इंसेक्ट घूम रहा है, ओमेगा निकाल लो, याद है ओमेगा का फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो क्या ही बोलूं, डेरिवेशन की थी इसकी, पहले कॉनिकल पेंडुलम किया था, फिर हमने हेमिस्फीयर किया था, फिर कोन किया था, आप चेक करो हेमिस्फीयर में यही तो किया था, डन इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट क्या हुआ, फिगर नहीं दे रही, अच्छा ब्लॉक की रिलीज नहीं, अच्छा इसको ऐसा होना चाहिए था, ये किया था हमने, ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है एच हाइट से, ये फिगर है और मैं ये चाहता हूँ कि एक चक्कर पूरा कर ले, और अगर ये आर डिस्टेंस का चक्कर पूरा करे तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr, तो यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर पोटेंशियल mgh और काइनेटिक जीरो, और यहाँ पर काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो, और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 5gr, तो आंसर किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 5 यस सर डाउट है, 5 क्वेश्चन देखने में अजीब लगता है पर हमने ये किया हुआ है, कितने तो हो गया था, हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लास्ट टाइम ही तो कराया मैंने ये, पेंडुलम की प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन जो आप चेक भी करें पेंडुलम में, ये बताया था कि एक पेंडुलम अगर यहाँ से चलता है और किसी भी इंस्टेंट पे होता हुआ वो यहाँ पर है मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो इस केस में इस पेंडुलम के पास एक एक्सेलरेशन होगी टेंजेंशियल, जिसका फॉर्मूला हमने क्या किया था, जी साइन थीटा, पेंडुलम की वेलोसिटी यहां पर वी है, तो यहां पर सेंट्रिपिटल क्या बनेगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, एल, तो नेट एक्सेलरेशन मैंने बताई थी, नेट एक्सेलरेशन थी अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय एल का होल स्क्वायर, ये बताई थी, ये भी क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं आपको वी की यहां वैल्यू बता दूं तो आंसर आ जाएगा, वी ऐसे बताया था क्योंकि यहां से पेंडुलम चला तो पोटेंशियल क्या है,
जीरो, फिर ये बताया था कि यहां पर वी निकालना है, तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, तो अगर ये हमारा ग्राउंड है तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम। तो ये बताया था कि यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगी ग्राउंड पे, जीरो। काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। पोटेंशियल यहां पर क्या हो जाएगी, अगर ये एल है, ये थीटा है, तो ये हाइट क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। तो पोटेंशियल की जगह एम जी एल कॉस थीटा, और काइनेटिक की जगह जीरो, राइट। तो इन्हें इक्वेट करके हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी इंटू एल इंटू कॉस थीटा लगा के एम से एम कैंसल, तो क्या गया वी। जो भी वी आएगा उसको उठा के यहां पुट करके नेट एक्सलेशन आएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, लास्ट टाइम भी किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक डाउट क्लियर है ऑनलाइन, यस ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट। 7 बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब इसलिए है क्योंकि फिगर बड़ी अजीब है और कैलकुलेशन तो बहुत ही अजीब है। ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, अगर आ भी जाएगा तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, मतलब मेरे हिसाब से छोड़ने वाला क्वेश्चन ज्यादा और करने वाला कम है। आपको क्या, ऐसा क्यों? अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन है कि एक स्फेयर गोल गोल घूम रहा है, एक स्फेयर सर्कल में घूम रहा है, पर नॉर्मली क्या होता है, एक छोटे से स्फेयर के साथ एक स्ट्रिंग बंधी होती है, तो वो कॉनिकल पेंडुलम है, एक रस्सी होती है। यहां एक स्फेयर है और दो रस्सियां हैं, दो घुमा रही हैं। ये देखो स्फेयर तो एक ही है गोल, और बहुत बड़ा स्फेयर बनाया, छोटा बनाना चाहिए था बिल्कुल ही, और दो रस्सियां हैं। अब दो रस्सी हैं तो दो टेंशन है, तो अगर एक रस्सी होती एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री तो टेंशन टी होती, T1 होती, तो ये 45 तो ये भी 45 होता, तो टेंशन के तो कंपोनेंट होते टी कॉस टी साइन। तो अगर एक ही रस्सी होती तो टी कॉस 45 इक्वल टू एम जी और टी साइन 45 इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, एम वी स्क्वायर पर यार ऐसा होता। पर यहां पर एक और रस्सी है, कोई बात नहीं लगा लो उसकी टेंशन T2 ले लो, एंगल क्या ले लो 30 डिग्री ले लो, तो टी कॉस 30 टी साइन 30 ले लो, तो एक टेंशन का कंपोनेंट 45 डिग्री वाली टेंशन का है और एक 30 वाली के साथ है। ऐसे यहां पर भी 45 और 30, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं तो दो टेंशन हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल है। तो अब दो वर्टिकल टेंशन्स किसके किसको इक्वेट करेंगी, वेट एम जी, और ये जो टेंशन है कहां जा रही है, टुवर्ड सेंटर, तो इन दोनों का सम क्या देगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि वी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहां तक तो फिर भी चलो बंदा कहता है कि मैं चलो कर गया, चलो कैसे तैसे करके मुझे समझ में आ गया, मैं दो स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकता हूं और इक्वेशन तो बना सकता हूं। अब सबसे बड़ी और मुसीबत देखो, टेंशन T1 नहीं पता, टेंशन T2 नहीं पता, वेलोसिटी V नहीं पता, इक्वेशन कितनी है दो। मैथ कहता है कि अगर आप तीन वेरिएबल सॉल्व करना चाहते हो तो कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए, या वेरिएबल तो तीन है इक्वेशन दो है, सॉल्व नहीं हो सकता उस हिसाब से, ठीक है। स्कूल लेवल बिल्कुल नहीं आएगा, नीट बिल्कुल नहीं आएगा, मेंस आज तक तो आया नहीं, पर टेक्निक समझा देता हूं कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं और वैल्यू फिर भी निकालनी हो तो कैसे करनी है, ठीक है। अजीब लग रहा हो सुन के कि दो में दो ही क्वेश्चन में तीन कैसे निकाल लेंगे। देखो ऐसे निकालते हैं, आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1 T2 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वी, वी की टर्म में निकाल लो, क्योंकि तीसरा वेरिएबल वी तो पता ही नहीं। मान लो आपने कर लिया और T2 की वैल्यू निकाल ली, T1 की वैल्यू निकाल ली, तो टेंशन V की फॉर्म में आएगा। फिर अब टेंशन कभी नेगेटिव नहीं होती, टेंशन पॉजिटिव है, और अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, और न्यूमिनेटर पॉजिटिव है यानी कि एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए न्यूमिनेटर की कंडीशन यही होनी चाहिए। ये टर्म राइट चली गई, एम से एम कैंसल, वेलोसिटी आ गई बाहर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप तीन दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल निकालते हो ना, आपका आंसर इक्वल टू में कभी नहीं आएगा, इन इक्वालिटी में आएगा, या ग्रेटर या लेस देन में ही आएगा। तो यहां से वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू आर जी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी, क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात तो पक्की। अगर आ जाएगा यार मेरे से तो होने वाला है नहीं आसानी से, कौन करेगा यार, पहले तो टेंशन लगाऊं फिर तीन वेरिएबल सॉल्व करूं, तो ये मुश्किल है आना, पर क्वेश्चन
क्वेश्चन की वजह से नहीं, ये इसलिए डाला गया फिर नॉन मेडिकल वालों के लिए कि तीन वेरिएबल्स हों और उनको कैसे हैंडल करना है, थोड़ा सा आइडिया आपको देने के लिए कि ऐसे हैंडल किया जाता है। हालांकि आज तक मैंने तो हैंडल किया नहीं, मेरे को तो एक ही क्वेश्चन मिला ये वाला, इसके बाद तो मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, तो आया भी नहीं है, तो इसलिए आप इतनी हेडेक ना लेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, देख लिया बस बढ़िया हो गया, सोच लें जिंदगी में देखा ही नहीं, देख लिया तो बस ठीक है यार, बात खत्म। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में आने वाली चीज है, इट्स ओके। एट्थ क्वेश्चन, कॉनिकल भाई, कॉनिकल आंसर 0.025 है ऐसे इसका। हाँ तो आंसर ये है यार, 0.025 आ रहा था। देखो कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो क्या पता 0.25 ही आंसर हो। बस ठीक है फिर, 0.25 ठीक है फिर, मेथड समझ में आ रहा है, कॉनिकल वाला सेम मेथड है जो आज किया, एन एन कॉस थीटा एन साइन थीटा सेम है। देखो वो तीन क्वेश्चन ना बड़े स्टैंडर्ड से हैं, घूम फिर के वही घूम घूम जा रहे हैं, वही वैल्यूज पूछी जा रहे हैं, तो वो बेटर है कि हम वही क्वेश्चन को ढंग से कर लें, तो बाकी सारे क्वेश्चन ये से हैं, राइट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, अभी अभी किया, अभी अभी आपने कहा फिर से करवाओ, दो रस्सी वाला ये तीन रस्सी है, ये देखो ए बी सी तीन पार्टिकल है और तीनों मिलके सर्कल में घूम रहे हैं। अब दो पार्टिकल थे तो टेंशन T1, T1, T2, T2, यहां पर सभी पोर्शन की टेंशन की रेशियो निकालनी है, तो क्या करेंगे, तीन टेंशन लेंगे और क्या करेंगे, टेंशन T1, T1, T2, T2, T3, T3, तीनों का ओमेगा सेम रहेगा, तो T3 की वैल्यू टुवर्ड सेंटर है, ये सेंटर है तो T3 सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगी m इंटू 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसका 3l है। और अगर b की बात करते हो, b के लेफ्ट की फोर्स है T2, राइट की फोर्स है T3, पर क्योंकि सर्कल में है तो इसकी नेट फोर्स कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, तो कौन बड़ा होगा T2 की T3, T2 क्योंकि आप चाहते हो फोर्स यहां पर और सेंटर की तरफ, तो T2 शुड बी ग्रेटर देन T3, तो T2 माइनस T3 इज m इंटू 2l इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर अगर इसकी बात करते हैं, ये भी सर्कल में घूम रहे हैं, तो नेट फोर्स कहाँ होनी चाहिए, टुवर्ड सेंटर, तो T1 बड़ा T2 छोटा, तो T1 माइनस T2 इज m इंटू 1l इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है तीन ही क्वेश्चंस, अब करते रहो, T1 T2 T3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आएगा, टेंशन आएगी, रेशियो आएगी, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि करना कैसे है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, रूल समझ में आ रहा है कि अगर तीन दो स्ट्रिंग्स हैं तो दो टेंशन हैं, तीन स्ट्रिंग्स हैं तो तीन टेंशन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, नहीं 10 नहीं करना अभी, मैंने दो क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं सर्कुलर के, ये उनमें से एक है, तो ये अभी रुक जाओ, हुआ वैसे नहीं, हुआ नहीं होगा, ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 11th में डाउट पूछ लो, मैं बता रहा हूँ, संडे को पेपर में आ जाएगा, बाद में नहीं कहना कि पेपर में डाल दिया। देखो तो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच, एक घड़ी है सेकेंड की सुई है, एक मिनट में 60 सेकेंड पूरे कर देती है, एक चक्कर पूरा करती है 60 सेकेंड में। अब वो कह रहा है कि ये सुई घूम रही है और इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। रूल नंबर 1, मान लो आपकी सुई यहां पर है, आप सिर्फ ये देखें इसकी टिप देखें, ये सुई यहां पर है और मान लो ऐसे घूम रही है, चलो घूमती ऐसे बात आ रही है, ऐसे घूम रही है, तो मान लो ऐसे घूम रही है, तो इसकी ये सर्कल में है, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर टेंजेंशियल होगी, वी टेंजेंशियल, ये टिप देख रहे हो ऐसे जाएगी ना, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, तो जब ये ऐसे 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 घूमेगी, तो जब ये यहां घूमेगी तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल यहां हो जाएगी, तो वेलोसिटी वेक्टर दिख रहे हैं टेंजेंशियल, पहले ऊपर जा रहा है फिर वेलोसिटी यहां जा रहा है, सर्कुलर मोशन में वैसे भी वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होते हैं, और 15 सेकंड के बाद ये यहां से यहां आएगी, वो क्यों, टोटल 60 सेकंड की जर्नी है इसकी, एक चक्कर 15 सेकंड पे यहां, अगले 15 सेकंड पे यहां, अगले 15 सेकंड पे यहां और अगले पे यहां, 60 सेकंड में पूरा हो गया, तो 15 सेकंड पे ये सुई यहां से यहां आई, तो वेलोसिटी वेक्टर ने डायरेक्शन यहां से यहां चेंज कर ली, यहां वेक्टर का यहां वेक्टर हो गया, तो एंगल क्या बन गया वेलोसिटी वेक्टर में यहां से यहां जाने में 90, पहले वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, तो एंगल क्या बना इनके बीच में 90। आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है कि सर्कुलर का कम और वेक्टर का क्वेश्चन ज्यादा है, तो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वी, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वी, तो वी और वी
कि चेंज इन वेलोसिटी बोलो क्या होगी, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर में किया था, इसमें वी स्क्वायर माइनस टू वी वी कॉस 90 आंसर। रूट टू वी प्रॉब्लम ये है कि रूट टू वी क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, कहाँ गिवन है रूट टू वी, ये तो वैल्यूज पूछ रहे हैं। अब क्योंकि पार्टिकल किस में घूम रहे हैं, सर्कल में, तो v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर ओमेगा, v इज आर ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, देखो रेडियस तो गिवन गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द नीडल गिवन है, ओमेगा नहीं गिवन। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, सेकंड की सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर दिया, कैपिटल टी की जगह 60 आंसर आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा तो लगेगा इसमें, और इस वॉच वाले क्वेश्चन में ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी पुट करना ही करना है इसमें। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है वो, एक सेकेंड की सुई है, सेकेंड की सुई का ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, टी की जगह कितना 60। एक मिनट हैंड का ओमेगा क्या होगा, मिनट हैंड में क्या होगा टाइम पीरियड, एक मिनट की सुई मिनट वाली कितनी देर में चक्कर पूरा करती है, 60 मिनट में करती है, वो 60 सेकंड में करती थी, ये 60 सेकंड है, वो 60 मिनट है, तो 60 इंटू, फिर कई बार आवर हैंड पूछता है, तो एक आवर हैंड जो है एक 12 घंटा, तो फिर 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है ना, 12 से सुई 12 पे आती है, तो 12 इंटू 60 इंटू 60, तो ये पूछेगा वो आपको आर हैंड मिनट हैंड सेकेंड हैंड का ओमेगा क्या होगा, वही इसका टाइम पीरियड पुट कर देना सेकेंड में कन्वर्ट करके, राइट। ट्वेल्थ ट्वेल्थ में डाउट, ठीक है, है? देखो ट्वेल्थ में वेटलेसनेस थ्रेड कैन बेयर अ टेंशन अप टू 3.7 केजी वेट, तो यानी कि मैक्सिमम टेंशन 3.7 केजी वेट है, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आंसर आएगा, तो मैक्सिमम टेंशन 37 न्यूटन है। अब ये घूम कैसे रहा है, 4 मीटर इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में मैक्सिमम टेंशन कहां पर होती है, एट लोएस्ट पॉइंट, तो ये टेंशन कहां पर गिवन है, एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन गिवन है, आपको वेलोसिटी बतानी है एंगुलर ओमेगा क्या होगी, तो लोएस्ट पॉइंट पर ये इक्वेशन है टी मैक्स एम जी, तो एक क्वेश्चन लोएस्ट पॉइंट पे है, इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगी, टी मैक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो आपको इस क्वेश्चन में एम पता है, एम पता है, आर पता है, टी मैक्स पता है, क्या नहीं पता तो ओमेगा, ओमेगा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, पहले आइडेंटिफाई करो कि टेंशन मैक्स है और टेंशन मैक्स वर्टिकल सर्कल में कहाँ होती है, एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर अभी क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में डाउट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, यस सर 14 तो 14 में डाउट है, 14 में तो बनता है यार, कितनों का हुआ 14th, नहीं हुआ था, ठीक है। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन ऐसे, व्हेन इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन, मीन क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम से जब पेंडुलम आता है तो मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मीन का मतलब एट लोएस्ट पॉइंट, तो जैसे ही वो लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करता है उसकी टेंशन मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, 3 times वेट ऑफ द पेंडुलम बॉब, तो जितना वेट है एम जी तो टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगी 3 mg। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, एंगल में आंसर पूछ रहा है, एबीसीडी देखो, तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है, वो कितना मैक्सिमम एंगल कवर कर सकता है एक्सट्रीम का, तो एंगल बताओ मैक्सिमम कितना कवर करेगा, ये आपको बताना है। रूल नंबर 1, जब ये पार्टिकल अपनी मीन से पास करेगा तो टेंशन उसकी मैक्स होगी, वेट उसका mg होगा, वेलोसिटी उसकी मान लो v होगी, इट इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में क्या होगी सेंट्रीपिटल होगी, सेंट्रीपिटल कहाँ होगी टुवर्ड सेंटर होगी, सेंटर में नेट फोर्स क्या होगी टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई एल।
अब इस क्वेश्चन में एम जी राइट पे गया, मैक्सिमम टेंशन वो बोल तो रहा है कितना है 3 mg, तो 3 mg पुट कर दिया, 3 mg माइनस एम जी, एम एम कैंसल, तो वी की वैल्यू आ गई, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2 gm, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई। पर हमने क्या निकालना है, एंगल थीटा। तो मान लो ये पेंडुलम यहां से चला और यहां पर आया, तो मुझे थीटा निकालना है क्या है। तो जब एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है एक्सट्रीम पे जीरो, यहां की वेलोसिटी पता है वी, वी कितने अंडर रूट ऑफ 2 gl, आपको क्या निकालना है, एंगल। एक ही तरीका है, दो पॉइंट्स को अगर सॉल्व करना है पेंडुलम एनर्जी कंजर्वेशन, इसको ग्राउंड मान लेते हैं, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल कितनी है एम जी एच, ये हाइट एच, और काइनेटिक है यहां पर जीरो, वेलोसिटी जीरो है, और यहां पर काइनेटिक क्या है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो, तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके, और एच को हम क्या पुट करते थे, यहां से सिखाया था एल माइनस एल कॉस थीटा, तो यहां से सॉल्व करके वी निकाल लिया। पर वी लोएस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वी यहां से भी निकाल चुके हैं, वी और वी को इक्वेट करके स्क्वेरिंग करके आंसर थीटा 90 आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, सबसे पहले क्या निकलेगी, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट फोर्स की इक्वेशन से, फिर वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट एनर्जी कंजर्वेशन से, फिर वी और वी को इक्वेट आंसर। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट, यस 15 तो मैं करना भी चाहता हूं, एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है और मैं एक बार बताता हूं इस प्रॉब्लम को करते कैसे हैं। देखो, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि मान लो आपके पास एक हेमीस्फेयर है, बनाने बना लो फॉर्मूला बुकलेट में, एक हेमीस्फेयर साथ साथ बना लो, फिर बाद में बहुत मिक्स हो जाता है डायग्राम, ठीक है, एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, और एक मास है एम, इसको स्लाइटली पुश किया कि स्लिप होता 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 नीचे आएगा, कोई ऐसा इंस्टेंट आया कि इसके बाद ये हवा में आ गया, अपनी अपने इसको हेमिस्फीयर को छोड़ गया, इसको बोलते हैं ये अपना कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लूज कर गया, अपना कॉन्टैक्ट जीरो कर गया, लूज कर गया। जब ये अपना कॉन्टैक्ट लूज करता है तो क्या चीज जीरो करता है बताओ, एक चीज जीरो हो जाती है, वो क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो पहले नहीं जीरो है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि क्योंकि ये फ्लोर छोड़ गया, मैं भी हवा में जंप करता हूं तो जमीन छोड़ गया, तो जमीन मेरे पे रिएक्शन नहीं लगा पाएगी। तो जब भी कॉन्टैक्ट छोड़ने की प्रॉब्लम आएगी तो समझो नॉर्मल रिएक्शन क्या पुट कर लेना है, जीरो, ये लिख लो, कॉन्टैक्ट जीरो का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ठीक है यहां तक। नंबर टू, अब एक चीज समझो, इसमें आपको क्या देगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है इस पे, वो पहला क्वेश्चन कि वर्टिक ये सेंटर है, सेंटर के साथ इसने एंगल बनाया थीटा, बोलो एंगल थीटा क्या होगा जब इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, ये पहली टाइप की प्रॉब्लम आएगी। जब भी ये टाइप की प्रॉब्लम आएगी बना लो साथ साथ, सबसे पहले आपने इसका बनाना है वेट, इसका वेट कहां पर है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अगर ये थीटा तो ये भी क्या बनेगा, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, वेट का क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट ये कितना mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा, जब तक ये कांटेक्ट में रहेगा तब तक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा और एक कंपोनेंट mg sin थीटा, और रेडियस इसका l या r, r ले लेते हैं, चलो रेडियस इसका r है, ये टोटल रेडियस इसका r है, ठीक है यहां तक। अब ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर, यहां पर v है, मान लो दे दी मैंने v है जब कांटेक्ट लूज होता है,
तो जब कांटेक्ट नहीं लूज हो रहा, इट इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल कहां कर रही थी? टुवर्ड्स सेंटर, ये रहा सेंटर। तो कितनी एड कर रही है? एम जी कॉस थीटा, और इसके ऑपोजिट कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नेट फोर्स है टुवर्ड सेंटर, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या? एम वी स्क्वेयर बाई आर, राइट? क्लियर है यहां तक? लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि एंगल बताओ क्या होगा कि बॉडी अपना कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, उसी टाइम आपने नॉर्मल रिएक्शन को उठा के क्या पुट कर देना है? जीरो। इसमें जैसे एन जीरो पुट करोगे, इसका मतलब कॉन्टैक्ट छूट गया, तो यहां पर क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वी की वैल्यू क्या आ गई? जी आर कॉस थीटा का अंडर रूट। या चलो ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, आपको एंगल पूछा है ना, तो ऐसे करो, तो इसके अंदर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको थीटा इज कॉस इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, ये मिलेगा, एक पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लूज करने पे समझ में आ रहा है कि पहला ऑप्शन या पहला क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसी के अंदर कॉन्टैक्ट लूज करने पे वो आपसे ये पूछ सकता है कि जब कॉन्टैक्ट लूज हुआ ना, तो लेट अस सपोज ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट h है, ये जो हाइट है ये h हाइट है, ठीक है? वो कहेगा h बताओ क्या होगा, h बोलो क्या होगा। तो अगर ये h है तो ये जो बची हुई हाइट है, फिर ये क्या बनी? r माइनस h, ये r है टोटल, तो ये क्या बनेगा? r माइनस h। इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा क्या होगा? cos ऑफ थीटा क्या होगा? cos थीटा इज r माइनस h डिवाइडेड बाय r, this upon this, right? पर cos theta already आप निकाल चुके हो, कितना? v square by rg, तो v square by rg is equal to r minus h divided by r, right? put कर दिया, यहां से cross multiply करके h आ जाएगा, पर ज्यादातर केस में वो आपको v भी नहीं देता, वो आपको v भी नहीं देगा, बस वो ये देगा कि ये जो body start हुई ना, u is equal to zero से start हुई थी, बस ये दे देगा। तो इस पूरी जर्नी में एक वेलोसिटी दे रहा है और एक नहीं दे रहा, तो क्या लगेगी? एनर्जी कंजर्वेशन, ताकि आप वी निकाल सको। चलो लगा लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में सबसे पहला काम ये करेंगे, मान लेते हैं कि लाइन क्या है? ग्राउंड, क्योंकि यहां पर मुझे वी निकालना है। तो इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम है, तो इस ग्राउंड मानते हुए हाइट एच पे पोटेंशियल कितनी है? एम जी एच। काइनेटिक क्या है? जीरो, जस्ट उसको पुश किया था बिना किसी वेलोसिटी के। और ऐसे यहां पर पोटेंशियल क्या है? जीरो, और काइनेटिक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। इक्वेट करते हैं, जब इक्वेट करेंगे तो एम जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? टू जी एच। इस वी स्क्वायर को यहां पुट करेंगे, टू जी एच बाय आर जी इज इक्वल टू आर माइनस एच बाय आर, जी से जी कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच बताना क्या आ रहा है? करो जरा, एच क्या आ रहा है? कितना? आर बाय थ्री।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आपका जो क्वेश्चन था ना ऑब्जेक्टिव, वो यही था कि हाइट बताओ क्या होगी, तो आंसर क्या आएगा? R/3।